हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे जो GNTST PNIST का जो एग्ज़ाम हुआ है 10 जून को। फ्रेंड्स, जो 9 बजे का जो 9 AM का जो पेपर था उसके आंसर की फुल डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी पिंड का त्वरण विस्थापक वक्र का क्षेत्रफल देता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रति इकाई द्रव्यमान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म, यानी कि एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो फ्रेंड्स, किससे बनता है? जब जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला अशुद्धि मिलाई जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप देख लें। थर्ड का आंसर फ्रेंड्स ये 4/3 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, कौन सा सही नहीं है? nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा n के समानुपाती। ठीक है, नेक्स्ट ये फ्रेंड्स इसका आंसर फ्रेंड्स 2 है। ये जो इसको आप सॉल्व करके देख ले, 5वें का 2 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थिर तरंगों में माध्यम के सभी कण माध्य स्थिति पार करते हैं तो समान क्षणों में समान वेग। ठीक है, नेक्स्ट है ये फ्रेंड्स इसका भी आंसर आप देख लें, ई नॉट या फिर स्क्वायर बाय 4R डिवाइड बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट जो एट नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है n-1 कोष्टक मत क्लोज जी। ठीक है, नेक्स्ट, एक बार चुंबक के समकक्ष है सोलेनोइड धारावाहक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसी ट्रेन रुकती है तो सवारी आगे की तरफ गिरती है, इसका क्या कारण है? सवारियों का जड़त्व, ये आपने पढ़ा होगा जड़त्व का नियम। वेग प्रवणता की विमा है तो m0 l0 t-1। एक समान धातु की डिस्क जिसकी त्रिज्या आर है, आर व्यास की डिस्क एक सिरे से काट दी जाती है, बचे हुए भाग का द्रव्यमान केंद्र होगा तो इसका क्या होगा? r/6 फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से। एक कार्क की गेंद एक बीकर में भरे पानी की सतह पर तैर रही है, बीकर को एक बेल जाल जार से ढक दिया जाए और हवा को बाहर कर दिया जाए तो गेंद का क्या होगा? थोड़ा सा डूब जाएगी। ये जो 14 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर है 2H। निम्नलिखित में से पदार्थ की प्रत्यास्थता को प्रभावित करता है, क्या करता है? फ्रेंड्स, ये सभी करते हैं, टंकन एवं एनिलिंग, तापमान में वृद्धि, पदार्थों की अशुद्धि। लोलक की गति थोड़े समय के बाद धीमी हो जाती है, अंतर रुक जाती है, इसका कारण है वायु घर्षण। नेक्स्ट है, एक डिस्क W कोणीय वेग से घूम रही है ओमेगा, यदि एक बच्चा इस पर बैठता है तो क्या संरचित होगा? कोणीय संवेग। फ्रेंड्स, ये 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका है log ई स्क्वायर डिवाइड बाय लेमडा। वह पदार्थ जिसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? पानी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या समानुपाती होती है, कण का संवेग। यदि धारा को दो गुना कर दिया जाए तो विक्षेपण भी 2 गुना हो जाता है, मैं किसमें? एक चलित कुंडल धारा मापी। यदि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तब स्थिर विद्युत बल होगा, 1/4 हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये 23वें का फ्रेंड्स ये 11.2 किलोमीटर/सेकेंड। नेक्स्ट है, परम शून्य एक स्थिति है जब आणविक गति समाप्त हो जाती है। ये फ्रेंड्स 25वें क्वेश्चन का 1/2 mgx। एक्स किरणें एक प्रकार की घटना है, क्या है ये? गतिज ऊर्जा को रेडिएंट ऊर्जा में परिवर्तन करना। ये इसका आंसर 27वें का आंसर है 4:1। 28वें का आंसर है q/x पर। 29वें का आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 30 क्वेश्चन का आंसर 3:1। अब फ्रेंड्स केमिस्ट्री आ गई है, जब फिनॉल जस्ता धूल से आवेशित होता है तो यह देता है ये बेंजीन। गैस स्थिरांक R स्थिर है केवल आदर्श गैस के लिए। गन कपास प्राप्त होती है जब सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है सेलुलोज।
सेकंड आंसर सही है, ग्रेफाइट है ऊष्मा का चाल अच्छा चालक। एथेनॉल का निर्जलीकरण देता है एथिलीन। कथन एक कक्षक में केवल दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं के रूप में जाना जाता है पाउली का सिद्धांत। यौगिक को जो नकारात्मक ऑडियो फॉर्म परीक्षण देता है C6H5CH2CH2OH। यह जांचने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्पष्ट द्रव पानी होगा या नहीं किसके द्वारा मापेंगे, निर्जली कॉपर सल्फेट मिलाएं और रंग परिवर्तन देखें। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है, बॉक्साइट। नायलॉन बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री है एडिफिक एसिड। पोटेशियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलिसिस देता है इथेन। उत्कृष्ट गैसें तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधता है शून्य के लगभग। ये फ्रेंड्स आप देख लें, 13वें का आंसर ये है 222 ट्राइक्लोरोएथेनॉल। रेडियम द्वारा कौन सी किरणों को उत्सर्जित नहीं किया जाता, एक्स किरणें। पोर्टलैंड सीमेंट एक प्रमुख घटक है सिलिका। किस अयस्क का झाग प्लवन विधि से सांद्रण होता है, सल्फाइड अयस्क। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक परमाणु अवस्था में मौजूद होता है, हीलियम। निम्न में से कौन पानी में सबसे अधिक घुलनशील है, AgCl। निम्नलिखित में से किन अणुओं में रैखिक संरचना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये फिर 20वें का 20 जो 20वां नंबर का क्वेश्चन है, पोटेशियम सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन इलेक्ट्रॉन प्रवाह का संचलन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, हिमांक में अवनमन। ये फ्रेंड 23 क्वेश्चन का 6 आंसर है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। धातु के साथ कार्बन बनाता है, कार्बाइड। ब्रोमीन और KOH के साथ एमीटाइमाइड की अभिक्रिया अल्कोहल देता है, मेथिल एमीन। ये फ्रेंड 27 का 12.0, 28 का पेप्टीकरण। एक कमरे के तापमान पर फॉर्मेल्डिहाइड है गैस, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। अब फ्रेंड बॉटनी फ्रेंड्स ये टेबल देख लें आप, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, 1 का डी है, 2nd का ए है, 3rd का बी है और 4th का सी, ठीक है। नेक्स्ट जो 2nd का आंसर है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं 1, 2nd, 3rd, 4th। बीजाणु में पराग नलिका के प्रवेश पर तंदुरूप उपकरण क्या करता है, फिर आप इसका आंसर है नलिका को सहायक कोशिका से अंड में जाने को देता है। रागी किसका सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, कैल्शियम। ये फ्रेंड 5वें का है, स्वयुग्मन को जंतु सजात पुष्पी परागण को नहीं। राइबोसोम के बारे में क्या सही नहीं है, तो ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। मेंडल ने प्रस्तावित किया था पृथक्करण। अंजीर के साइकोनस के मांसल पुष्पाकन के भीतर कौन सी वसों की संरचनाएं बंद होती हैं, एकीन। ये फ्रेंड 9 का युगली। यहाँ पे थे अपन 10वें का, 10 के आंसर है पैतृक का जीनोटाइप CCCC, ठीक है। और ये 11वें का है आपका, बी आंसर सही है, आप देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है, बीज सुषुप्तता किसके कारण होती है, एब्सिसिक अम्ल। ये 13वें का आप देख लें, ये वसा संश्लेषण, ये देख लें 13वें 14वें का ये, तो ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन बाद में बताऊंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।